सेवेंथ पे कमीशन बेसिक न्यूनतम वेतन में 17% की बढ़ोतरी तय। सातवें वेतन आयोग के तहत एक बड़ी खुशखबरी का इंतजार कर रहे सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जश्न मनाने का मौका आ गया है। केंद्रीय कर्मचारियों के बेसिक न्यूनतम वेतन में 17% की बढ़ोतरी होना तय हो गया है। सरकार ने यह फैसला कर लिया है और अब बस इसे नेशनल एनोमली कमेटी यानी NAC के सामने प्रस्तुत किया जाना बाकी है। अगर इस बढ़ोतरी को कैलकुलेट किया जाएगा तो न्यूनतम वेतन ₹21,000 होना तय है। मौजूदा समय में न्यूनतम बेसिक वेतन ₹18,000 है और 17% बढ़ोतरी के बाद यह ₹21,000 हो जाएगा। इस बढ़ोतरी से यह भी साफ हो जाता है कि फिटमेंट फैक्टर 3 गुना हो जाएगा। अभी तक फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना रखना तय किया गया था, लेकिन अब बेसिक न्यूनतम वेतन में 17% की बढ़ोतरी का मतलब है कि फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दोस्तों, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए जरूर कर लीजिए। जल्द से जल्द होगा इस पर फैसला। माना जा रहा है कि अधिकारी इस पर जल्द से जल्द फैसला करेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली पहले ही यह कह चुके हैं कि बेसिक न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी के मुद्दे को ध्यान में रखना जरूरी है। माना जा रहा है कि सरकार 1 जनवरी 2018 से बढ़ा हुआ वेतन देने की योजना बना रही है। जेटली ने ही सातवें वेतन आयोग से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए नेशनल एनोमली कमेटी यानी NAC बनाने का आदेश दिया था। न्यूनतम सैलरी ₹25,000 करने की है मांग। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी न्यूनतम सैलरी को बढ़ाकर ₹25,000 किया जाए। ऐसे में अगर सरकार से बातचीत का दौर आगे बढ़ता है तो हो सकता है कि सरकार को कर्मचारियों की मांग के आगे झुकना पड़े। ऐसी स्थिति में आपको ₹25,000 की न्यूनतम सैलरी का तोहफा मिल सकता है। हालांकि अभी सरकार इसे ₹21,000 करने पर विचार कर रही है। न्यूनतम सैलरी ₹25,000 करने की है मांग। नहीं मिलेगा एरिया। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वह वेतन तो बढ़ाएगी लेकिन किसी को भी एरिया नहीं देगी। यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी दिक्कत की वजह है। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि सरकार आखिर एरिया क्यों नहीं दे रही है। आपको बता दें कि सरकार 1 जनवरी 2018 से बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन देने वाली है। अगर सरकार एरिया दे देती है तो केंद्रीय कर्मचारी बेसिक न्यूनतम वेतन 21,000 होने से भी खुश होंगे, लेकिन अगर सरकार एरिया नहीं देती है तो न्यूनतम वेतन 25,000 करने पर ही केंद्रीय कर्मचारियों का बोझ कम होगा।